टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं अंकिता लोखंडे, जिन्होंने जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में अर्चना का किरदार निभाकर दर्शकों का खूब दिल जीता था और अपने इस किरदार के साथ एक घरेलू नाम बन गई। यूं तो आज इनके दमदार अदाकारी के चलते आज सभी जानते हैं कि अंकिता लोखंडे कौन है, लेकिन आज भी सभी लोग इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे। अभी भी आप इनके बारे में 10 अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट से अनजान हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसे ही 10 अनसुनी और दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी इनसे जुड़ी उन अननोन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अंकिता लोखंडे का असली नाम तनुजा है, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1984 को भारत के इंदौर में हुआ था। ये इंदौर में रहने वाले एक मराठी परिवार से हैं। इनके पिता शशिकांत एक समाचार रिपोर्टर हैं और इनकी मां वंदना पंडित एक शिक्षिका हैं। नंबर 2, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि अंकिता लोखंडे को खेलों में बहुत रुचि थी और ये स्टेट लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 3, अंकिता को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी रही थी, इसलिए तो इंदौर में स्नातक करने के बाद वो अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए 2005 में मुंबई चली गई। नंबर 4, इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री करते ही अपना नाम तनुजा से अंकिता में बदल दिया था और इसी नाम के साथ कई टीवी शोज में ऑडिशन दिए थे। काफी ऑडिशन देने के बाद इन्हें बाली उमर को सलाम नाम के शो में लीड रोल निभाने का मौका मिला, हालांकि ये शो कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ। नंबर 5, अंकिता ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2006 में टैलेंट हंट शो आइडिया जी सिनेस्टार में भाग लेकर की थी। इसके बाद इन्होंने एकता कपूर के टीवी शो पवित्र रिश्ता में अर्चना का किरदार निभाकर अपने टीवी करियर की शुरुआत की। ये शो इनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी और 2009 से 14 तक इस शो का ये हिस्सा रही। अपने इस किरदार के साथ अंकिता एक घरेलू नाम बन गई। जब 2013 में शो में ले पाया तो इन्होंने शो में अर्चना की पोती अंकिता की भी भूमिका निभाई थी। नंबर 6, टीवी शोज के अलावा अंकिता ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा है। साल 2019 में इन्होंने कंगना रनौत के साथ फिल्म मणिकर्णिका में झलकारी बाई का किरदार निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद ये बागी 3 में रुचि का किरदार निभाती नजर आई थी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में दीपिका पादुकोण से पहले अंकिता लोखंडे को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था, पर फराह खान ने बाद में अंकिता को छोड़ दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया। नंबर 8, अंकिता कॉमेडी सर्कस नाम के कॉमेडी शो का हिस्सा भी रही हैं, जहां इन्होंने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ कई परफॉर्मेंसेस दी हैं। नंबर 9, कमी लोग जानते हैं कि अंकिता का पहला प्यार सुशांत सिंह राजपूत ही थे। उनसे पहले इन्होंने किसी भी शख्स को डेट नहीं किया। दोनों ने साथ में पवित्र रिश्ता शो में काम किया था, जिसमें काम करते हुए दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। हालांकि सुशांत ने अंकिता को नेशनल टेलीविजन पर झलक दिखला जा के सेट पर प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों 6 साल तक लव और लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों के अच्छे बॉन्ड को देखते हुए खबरें आई कि दोनों शादी करने वाले हैं, पर अचानक दोनों के ब्रेकअप की खबर आ गई। दोनों का ब्रेकअप किस वजह से हुआ था, ये बात आज भी एक राज बना हुआ है। सुशांत से ब्रेकअप के कुछ सालों बाद अंकिता की जिंदगी में विकी जैन की एंट्री हुई, जिनके साथ अब ये जल्द ही शादी करने वाली हैं। नंबर 10, अंकिता के बारे में कहा जाता है कि ये काफी अनप्रोफेशनल हैं। ये सेट पर अपने को स्टार के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। इसी बुरे व्यवहार के चलते एक बार इन्होंने सेट पर सुशांत को थप्पड़ मार दिया था। तो दोस्तों, आपको अंकिता के बारे में कौन सा फैक्ट जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।